वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सारा अली खान नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ये वही अमृता सिंह और सैफ अली खान की बेटी हैं जो काफी समय पहले अलग हो गए और फिर पटौदी खानदान के नवाब सैफ ने अपने से 10 साल छोटी एक्ट्रेस मॉडल कपूर खानदान की बेटी करीना से शादी कर ली और आज उन दोनों के दो बच्चे तैमूर और जहांगीर अली खान हैं। खैर, सारा अली खान कभी बनारस की गलियों में ओम नमः शिवाय का जाप करती हुई घूमती हैं तो कभी गुरुद्वारे में गुरु महाराज के आगे माथा टेकती हुई दिखती हैं। सारा इन दोनों हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था का प्रतीक माने जाने वाले उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंची और इसी की कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर कैप्शन में लिखा, जय महाकाल। बस फिर क्या था, कट्टरपंथी शुरू हो गए उन्हें मुस्लिम होने का मायना बताने और हिंदू धर्म के प्रति घृणा दिखाते हुए कहने लगे अपशब्द। एक यूजर ने सारा से कमेंट कर कहा, अगर तुम्हें इस्लाम नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन इस्लामी नाम बदलो, प्लीज बदलो, ये दूसरों के लिए इस्लाम का अपमान है। एक यूजर मुजीब कहता है, खुदा से डरो, कयामत दूर नहीं, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, छोड़ दो फिल्मी दुनिया। एक यूजर लिखती है, तू इस्लाम होकर बुत पूज रही है, सिर्फ एक खुदा है और वो अल्लाह है। वही एक यूजर ने उन्हें गौमूत्र पीने की सलाह दी। बता दें कि सारा इससे पहले केदारनाथ दर्शन करने पहुंची थी और उन्होंने वहां की फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की, तब कई यूजर्स ने उन्हें काफिर घोषित भी कर दिया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए।